हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन इंडिया। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप itse.com पे किस तरह से सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने नाम तो सुना होगा itse.com, जो कि यूएसए की वेबसाइट है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूएसए का आता है और आप अपने एंटीक आइटम या फिर हैंडमेड आइटम भी itse पे सेल कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं किस तरह से itse पे सेल किया जाता है और किस तरह से itse पे अकाउंट बनाया जाता है। और दोस्तों, इसकी पेमेंट पॉलिसी क्या है या फिर कस्टमर अगर रिटर्न करता है तो रिटर्न पॉलिसी क्या है। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं गूगल पे itse.com। दोस्तों, जैसे ही हम सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाती है itse.com। सो दोस्तों, काफ़ी अच्छी ये वेबसाइट है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें आता है अगर आप अपने प्रोडक्ट इस पर लिस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ऐसे ही अपने कोई सा भी प्रोडक्ट itse पे लिस्ट नहीं कर सकते। कुछ एंटिक प्रोडक्ट होते हैं या फिर कुछ गिफ्ट आइटम होते हैं या फिर कुछ हैंडमेड आइटम होते हैं जिसे आप itse पे लिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप कंप्लीटली जो भी ज्वेलरी या फिर अदर एसेसरीज आप सेल करना चाहते हैं तो itse पे आप इजीली सेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आप ज्वेलरी या फिर अदर एसेसरीज आप सेल करते हैं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं अगर आप क्लॉथ भी सेल करते हैं या फिर आप शूज सेल करते हैं तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के आप क्लॉथ सेल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर आप वुमेन क्लॉथ सेल करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉप्स एंड टीज, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के दोस्तों आपको यहाँ पे सेल करने होंगे, कुछ एंटीक और कुछ हैंडमेड। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें आपको मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद अगर आप कुछ गिफ्ट आइटम सेल करते हैं या फिर कुछ आर्ट या फिर ग्लास आर्ट, आप देख सकते हैं इस तरह के आप कुछ भी पेंटिंग या फिर कुछ भी आप अदर ऐसे एंटीक आइटम सेल करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स itse से मिलने वाला है। दोस्तों, उसके बाद मैं बता देता हूँ अगर आप इंडिया में हैं और दोस्तों अगर आप कुछ एंटीक आइटम या फिर हैंडमेड आइटम सेल करना चाहते हैं तो आप ज्वेलरी से अच्छा आइटम सेल नहीं कर सकते। दोस्तों, उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ अगर आप जेम स्टोन सेल करना चाहते हैं तो जेम स्टोन पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस वेबसाइट पर मिलता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस वेबसाइट पर मिलेगा। मैं आपको अपना अकाउंट बता देता हूँ अब किस तरह से आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं itse का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद में साइड में आप लेफ्ट में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, शॉप मैनेजर एंड यहाँ पे बास्केट आपको दिया हुआ है। तो सिंपली दोस्तों, शॉप मैनेजर पे आपको क्लिक करना होगा, लेकिन अभी आपका अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप itse पे किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। सो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा itse सेलर का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो मंथली इनकम है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी जो मेरे लास्ट 30 डेज की यहाँ पे सेल है वो हुई है $475। और दोस्तों, काफ़ी अच्छी सेल होती है। और दोस्तों, अब तक की मैं आपको बता देता हूँ लास्ट ईयर की यहाँ पे मेरी सेल देख सकते हैं $1,851 की सेल है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी सेल है। और आपको मैं यहाँ पे ऑर्डर्स एंड शिपिंग में बता देता हूँ जो ऑर्डर्स आते हैं वो कहाँ के आते हैं, कहाँ का ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा आता है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रैफिक आता है वो आता है यहाँ यूएसए का। सो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे यूएसए का ट्रैफिक आता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यूएसए की वेबसाइट है, यूएसए में ज़्यादातर लोग एंटीक आइटम ही परचेज करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी यूएसए का ही ऑर्डर आया हुआ है। सो दोस्तों, आप भी इजीली यहाँ पे सेल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अब आप जानना चाहते हैं कि क्या ये वेबसाइट वेरीफाइड है या फिर नहीं, तो चलिए दोस्तों वेरीफाइड है या नहीं ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको इसमें करना ये होगा, आपको अपने गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना होगा WHOIS। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे WHOIS सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन एक वेबसाइट है ICANNWHOIS। तो दोस्तों, सिंपली आपको इस वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आप इस पेज पे पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, सिंपली यहाँ पे आपको नीचे लुकअप के यहाँ पे आपको इस वेबसाइट का यहाँ पे लिंक है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ itse.com। तो दोस्तों, itse.com देख लेते हैं कि क्या ये वेबसाइट जेन्युइन है या फिर कैसी वेबसाइट है।
तो दोस्तों यहाँ पे पहले कन्फर्मेशन मांग रहा है, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन मैं दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इट्से का जो भी कंफर्मेशन है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे सारा स्टेटस इसका दिया हुआ है। तो दोस्तों सिंपली आप इट्से पे बड़ी आसानी से सेल कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से कुछ भी परचेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इट्से पे सेल करना चाहते हैं तो आपको अपना मार्जिन बहुत ज़्यादा करना होगा। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार सर्च कर लेता हूँ, एक कोई टी शर्ट सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है टी शर्ट्स। सो दोस्तों टी शर्ट्स में अब आपको देखना होगा कि आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टी शर्ट्स की, यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हैं टी शर्ट की, ज़्यादा खास क्वालिटी नहीं है, फिर भी यहाँ पे $20 की टी शर्ट यहाँ पे बेची जा रही है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि आप भी यहाँ पे इतनी प्राइस में सेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपको मार्जिन इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। दोस्तों ये $20 मतलब कि यहाँ पे आपको 1200 से 1300 रुपये तक की टी शर्ट बिक जाएगी, जो कि ये आपके 300 से 400 रुपये तक की आपके होलसेल प्राइस में पड़ जाएगी। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ से आसानी से सेल कर सकते हैं और महीने के भी आप 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ ईजिली कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में ये बता दूंगा कि आप किस तरह से इट्से पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और दोस्तों ये भी बताऊँगा कि इट्से पे आप किस तरह से सेल कर सकते हैं और किस तरह से आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से पहुँच जाए कि किस तरह से इट्से का अकाउंट बनाया जाता है। सो चलिए दोस्तों जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ में।